समाज निकेतन संस्था की तरफ से कीर्तनाचार्य दास जागेश्वर उपाख्य अन्नाजी पात्रिकर इनका जन्म शताब्दी समारोह वर्ष 2021-22 के अवसर पर पूजनीय अन्नाजी के स्वचरित्र और लोकप्रिय साहित्य में से एक शुक्रवार को कुछ चुनिंदा आरती का समर्पण समारोह टामरेड हॉल चिटनेस सेंटर टेम्पल रोड सिविल लाइन नागपुर में किया जाने वाला है। यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे किया जाएगा। इसलिए प्रसिद्ध वारकरी कीर्तनकार श्रीराम पंजोशी मौजूद रहेंगे। अन्ना जी का जन्म 15 मई 1922 को आष्टी गांव में हुआ था। कीर्तनाचार्य के रूप में पूरे भारत में विख्यात दास जागेश्वर उपाख्या अन्ना जी पत्रिका ने 70 से अधिक वर्षों से कीर्तन की सेवा की है। महाराष्ट्र में आज प्रचलित कई कीर्तनकारों ने कीर्तन का ध्यान अन्नाजी से लिया है। आध्यात्म का गहन अध्ययन अन्नाजी पत्रिका के समान है। एक पहचान थी खंडवा के दादा धुनी वाले, मोहपा के तुकाराम महाराज, काटोल के पुरुषोत्तम महाराज के उपरोक्त ग्रंथों की रचना अन्नाजी ने की है। उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है। अन्नाजी की जन्मशती के अवसर पर नटराज निकेतन संस्था पूरे वर्ष कई आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन करेगी। इस ध्वनि मुद्रण के लिए अन्नाजी के चिरंजीव विलास पत्रिकर और उनके स्नेह मंगला पत्रकार द्वारा निर्देशित किया जाता है। आरती को नागपुर के मशहूर सिंगर सुरभि ढोमने, मुकुल पांडे, मंगेश देश पांडे, श्रिया मेंढी, श्रिया टाकसाए, मनीष मोरेल ने गाया है। इस आरती का साउंड ट्रैक रिंग के निर्माता अन्नाजी पत्रिका के पोते मुकुंद पत्रकार ने बनाया है। नटराज निकेतन संस्था के अध्यक्ष और अन्नाजी के स्नेही मंगला पत्रिकर, अन्नाजी के चिरंजीव विलास पत्रिकर, निखिल व्यास, मधुरा व्यास, हर्षदा पत्रिकर मौजूद थे। जो कलाराम मंदिर है, ठीक है, पूना में नारायण मंदिर है, वैसे कई जगह पे उनके आरतियों को गाया जाता है। स्पेशली ये जो प्रोग्राम 29 तारीख को कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जन्म शताब्दी के निमित्त उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसमें से 5 से 6 आरतियों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। 5 से 6 जो आरतियां हैं उनकी, उनका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। और आरतियां आज फेमस है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला है कि अलग अलग मंदिरों में हजारों उसको गाते हैं। जैसे कि हमने हमारे महल पे लकड़ी का पुल जो है, लकड़ी पुल जला पर मंडो, ओके, वहाँ पे गजानन महाराज मंदिर है, वहाँ पे आज तकरीबन 40-50 सालों से वो आरती गाई जाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।